आज हम बनाने जा रहे हैं अपने आलू के पराठे। और जाड़े की सबसे अच्छी और सबसे यम्मी डिश है आलू के पराठे। जाड़े में गरम गरम आलू के पराठे खाने का जो मजा है ना, किसी में भी नहीं। तो चलिए आज हम बनाते हैं अपने आलू के पराठे। उसके लिए मैंने ये बारीक कटी हुई धनिया ली है, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा मैंने प्याज लिया है बारीक कटा हुआ। आप चाहें तो डालें, और अगर आपको आप नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये मैंने थोड़े से करी पत्ते लिए हैं। अपना डो बनाने के लिए ये मैंने गेहूं का आटा लिया है। ये मैंने लिए है थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, सॉल्ट स्वाद अनुसार। ये मैंने धनिया ली है, मैंने खड़ी मंगवाई थी मार्केट से, इसको मैंने भूनकर फिर इसको पीसा है। ये मैंने गरम मसाला लिया है, ये भी मैं मार्केट से खड़ा ही लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको ग्राइंड करती हूँ घर पे। ये मैंने देसी घी लिया है। मैं अपने आलू के पराठे देसी घी में बनाऊंगी। आप चाहे तो किसी भी ऑयल में अपने आलू के पराठे बना सकते हैं, बट देसी घी में टेस्ट और भी बढ़ जाता है। और ये मैंने लिए है जस्ट पिंच ऑफ हींग। ये आलू के पराठे में बहुत ही टेस्टी फ्लेवर देती है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा डालेंगे। और ये मैंने आलू लिए हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया था, ये देखिए। अब ये आलू को हम पहले मैश करेंगे। तो चलिए हम अपने पराठों के लिए सबसे पहले डो रेडी करेंगे। तो ये जो डो मैंने लिया था ये हम इसमें डालेंगे, और लमसम वन पिंच ऑफ हम सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे, बस हल्का सा सॉल्ट। अब हम इस डो को अपने पानी डाल के धीरे धीरे एक डो का शेप देंगे इसको। इस तरीके से हम अपने डो को हमको थिक नहीं रखना है, थोड़ा सॉफ्ट रखना है, क्योंकि पराठे जब हम बनाते हैं तो पराठों का जो हम उसका सारी स्टफिंग तैयार करते हैं ना, तो वो बाहर आ जाती है। तो हमको डो का इस तरीके से डो को रखना है, ये देखिए इस तरीके से। इसको अच्छे से हम ये देखिए, हमने अपने डो को सान लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा अपना घी डालकर थोड़ा सा इसको दोबारा से सानेंगे। इस तरीके से हमने घी डालकर इसको थोड़ा सा सान लेंगे। ये देखिए हमारा डो रेडी हो गया है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए थोड़ा रेस्ट देंगे, उससे हमारा डो और भी ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और बहुत ही सॉफ्ट पराठे हमारे बनकर रेडी होंगे। ये देखिए हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। चलिए हम अपने आलू के पराठे की अब स्टफिंग तैयार करते हैं। उसके लिए हमने ये जो बॉइल आलू लिए थे इनको हम लेंगे और हम इनको मैश करेंगे अच्छे से। इनको हमको मैश करना है। आप चाहें तो कद्दूकस से ग्राइंड कर सकते हैं, मैं मैशर का यूज कर रही हूँ। ये देखिए हमारे आलू अब मैश हो गए हैं। अब हम इनमें अपने सारे मसाले ऐड करेंगे। पहले ये थोड़ा सा गरम मसाला मैंने ऐड किया इसमें, फिर 1 टेबल स्पून के करीब मैंने खड़ी धनिया डाली है। ये मैंने करी पत्ते लिए थे, थोड़े से मैं इसमें ऐड करूंगी। थोड़ी सी मैं इसमें हरी धनिया ऐड करूंगी, 1 टेबल स्पून के करीब हम ये कस्तूरी मेथी इसमें डालेंगे, और जो ये हमने हींग ली थी 1 टीस्पून हींग ली थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार ही पड़ेगा, आप जैसा नमक खाते हो आप वैसा इसमें डालना। अब इन सभी चीजों को हम मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो रेड चिली भी इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आपको तीखा ज्यादा पसंद है तो आप रेड चिली भी ऐड कर सकते हैं इसमें। मैं इसमें ग्रीन चिली जो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में ली थी वो ऐड कर रही हूँ, आप दोनों का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको एक में मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने अपना ये स्टफिंग तैयार कर ली है। अब आलू के पराठे के लिए
हम सबसे पहले इसके छोटे छोटे से इस तरीके से गोले बना के रख लेंगे ताकि हमको भरने में पराठों को आसानी हो। ये देखिए इस तरीके से हम अपने छोटे छोटे गोले बना के रेडी कर लेंगे। इससे होता ये है कि हमारे पराठों के बाहर आलू नहीं जाती है, हमारा पराठा पकता नहीं है। अभी आप देखिएगा, मैंने बोला था ना सबका अलग अलग अंदाज अलग अलग तरीका होता है। चलिए हमारे गोले बनके रेडी हो गए हैं, ये बॉल बनके रेडी हो गए हैं, तो अब हम शुरू करते हैं अपना आलू का पराठा बनाना। ये देखिए जो हमने डो तैयार करके अपना 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखा था, ये मेरा डो 15 मिनट बन गए हैं। ये देखिए हमारा डो कितना सॉफ्ट बना है, ये देखिए कितना सॉफ्ट डो है, इससे पराठे कितने सॉफ्ट बनेंगे। तो चलिए अब हम बनाते हैं अपने पराठे। इसके लिए सबसे पहले हम इनकी छोटी छोटी गोलियां तैयार कर लेंगे। आपको बहुत ज्यादा आटा नहीं लेना है, इतनी छोटी छोटी हम इसकी गोलियां तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसकी गोलियां तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमें इतनी बड़ी बड़ी अपनी गोलियां बनानी है। अब हम अपनी स्टफिंग इनमें भरेंगे। ये देखिए इसके लिए सबसे पहले हम अपना, ये मैंने सूखा आटा लिया है, इसमें हम अपने डो को डिप करेंगे और इसको अच्छे से ऐसे ऐसे करके हम फैला लेंगे दोनों हाथों से जितना हम फैला सकते हैं। फिर ये स्टफिंग मैंने तैयार की थी, हम एक बॉल उठाकर इसमें रखेंगे लाइक गोला और चारों तरफ से इसको हम बंद कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए हमने इस तरीके से अपना बॉल इसमें फिल कर दी है और जो इसमें थोड़ा सा आटा निकला हुआ है, डो हमारा निकला है, इसको हम बाहर कर लेंगे और इसको अच्छे से हम प्रेस कर देंगे। अब हम इस पे सूखा आटा लगाएंगे इस तरीके से और हल्के हाथों से हम इसको प्रेस करेंगे ताकि हमारी जो बॉल थी ना वो चारों तरफ फैल जाए। इस तरीके से हम इसको प्रेस कर देंगे पहले तो इस तरीके से। ये देखिए दिख रहा है ना आपको, ये देखिए चारों तरफ कितना हरा हरा सा चारों तरफ आ रहा है, हमारी स्टफिंग सब जगह फैल गई देखिए, है ना। अब हम इस पे सूखा अपना आटा डालेंगे और इसको बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसको पेलेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से ताकि हमारे ये पराठे फटे ना। ये देखिए इस तरीके से हम इसको पेलेंगे। ये देखिए आप देखिए कितना ग्रीन ग्रीन आ रहा है चारों तरफ। ये देखिए हमारा पराठा कहीं से भी फटा नहीं है, कहीं से भी कुछ नहीं है पराठे में, और हमने अपने पराठों को बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं किया है। कितना अच्छा फ्लेवर दिखा रहा है पराठे में, कितना अच्छा लग रहा है, यम्मी ग्रीन हरियाली। ये देखिए चारों तरफ आप देख सकते हैं, चारों तरफ से हमारी स्टफिंग जा चुकी है। अब हम इसको तवे पर सेकते हैं। ये देखिए हमने अपना तवा चढ़ा दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पहले घी लगाएंगे, इस तरीके से हमने इसमें अपना घी लगा दिया। अब हम इसमें जो हमने पराठा बेला था उसको हम इसमें डाल देंगे। इसको मीडियम गैस पे ही सेकना है, अदरवाइज अगर ये जल जाएगा तो पराठे का सारा टेस्ट खराब हो जाएगा, फिर जाड़े में पराठे खाने का मजा ही नहीं आएगा। तो चलिए देखिए इस तरीके से हम इसको मीडियम गैस पे सेकेंगे। ये देखिए हमारा पराठा एक साइड से हो गया, हम इसको पलट देंगे और इसमें हम देसी घी लगा रहे हैं। आप चाहें तो कुछ और भी लगा सकते हैं, कोई भी ऑयल जो आप खाते हैं वो आप लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल आलू प्लस हरियाली पराठा बन के रेडी हुआ है हमारा। अब हम इसको पलट देंगे, फिर हम उसी साइड से अपना घी लगा देंगे। ये देखिए हमने दोनों तरफ से अपने पराठे को अब सेकना है हमें, हम दोनों तरफ से अपने पराठे को सेक रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना ही यम्मी, कितना मतलब टेस्टी पराठा दिख रहा है हमको। दोनों साइड से इसको अच्छे से सेकना है,
गैस हम मीडियम ही रखेंगे, इससे हमारा पराठा चारों तरफ से अच्छी तरह से सेक कर निकलेगा तो वो बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये देखिए हमारा पराठा सिक गया है, अब हम इसको निकाल लेते हैं और अपने सारे पराठों को इसी तरीके से हम बना लेंगे। ये देखिए हमारा आलू का पराठा बनके रेडी हो गया है। हमारे जाड़े की सबसे अच्छी रेसिपी है जिसको हम आराम से बना सकते हैं, खा सकते हैं और मजे ले सकते हैं जाड़े के। तो आप भी इसको बनाइए और खाइए और सबको खिलाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल देसी कुकिंग एक्सपर्ट को सपोर्ट करें, उसे लाइक करें, उसे शेयर करें और भी लोग जान सकें, क्योंकि सबके बनाने के अंदाज अलग होते हैं, हमारा अलग है। तो आपको जो अंदाज पसंद आया आप उस अंदाज के अनुसार अपनी रेसिपी बनाइए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए प्लीज़।